आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में वशिष्ठ नदी के किनारे बसा नारियल और ताड़ के सुंदर पेड़ों से भरा गांव रजोल एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। 2014 के जून 27 को भारत के गैस अथॉरिटी के सबस्टेशन में पाइपलाइन के फट जाने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई, अनगिनत आहत हुए। आसपास के 10 एकड़ में बसे वन पक्षी जानवर फसल पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली कहानी है वृद्ध दंपति श्री एवं श्रीमती रामाराव तात्यकायाला की, जिन्होंने इस अप्रत्याशित घटना में अपने पुत्र पुत्र वधु और पौत्री सबको खो दिया। जब हमको हादसे की खबर मिली हम तुरंत भागे और जगह पर पहुंचे, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था किसकी बॉडी कहाँ है। हमें सिर्फ इतना बोला गया कि हमारे परिवार वालों की इस ब्लास्ट में मृत्यु हो गई है। उसके बाद सब बड़े बड़े लोग आए, भाषणबाजी करने लगे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और कहाँ ढूंढे हमारे बच्चों को। फिर उनके घर के पीछे वाले बाजार की गली से हमारे बहू की बॉडी मिली, जो पूरी तरह से जली हुई थी और बिना कुछ बिछाए जमीन पे रखा गया था। मेरे भाई ने मेरे बेटे की अंगूठी को पहचानते हुए उसकी बॉडी को पहचाना। अमालपुरम हॉस्पिटल से हमें बोला गया अमालपुरम जाके बॉडी को ले लो, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो बताया गया कि बॉडी को रजोल गांव भेज दिया गया है। हम किसी तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, बिना किसी सुख और शांति के किसी तरह बीत रही है जिंदगी, बस उम्मीद में बिता रहे हैं जीवन। मैं ईश्वर की कसम खा के बोलती हूँ, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉमन मैन जो है, एक तो उसको निरक्षरता है, वो मालूम नहीं है उसका क्या हुआ, उसको मालूम नहीं है उसका नष्ट कितना हुआ है, वो भी मालूम नहीं है। वो कैसा वो वहाँ से उन लोगों को मिल के अधिकार होता है ना, अधिकार लोगों को देना है, वो नहीं दिया, तब वो कैसा वहाँ जाके वो लेना है, वो सब कुछ मालूम नहीं है ना। इसका वजह से हमारा जो जज साहब है उधर मंडल लीगल सर्विस चेयरमैन, वहाँ का एडवोकेट्स पैनल लायर्स वो सबको बात करके वहाँ जाके मीटिंग कराया। ऐसे में नालसा ने सरकार और गेल की मुआवजे की योजना की घोषणा को जन जन तक पहुंचाया और न्यायिक स्वयं सेवकों ने आम जनता की शिकायतें सुनकर उन्हें प्रशासन से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया। क्या स्थिति थी जब आपको ये पाइपलाइन ब्लास्ट के बारे में पता चला? जिला विधिक स्वयं सेवक लगातार पीड़ितों के घर मदद के लिए जाते थे। ऐसे ही एक बार श्री रामा राव ने अपनी व्यथा बताई कि पुत्र के परिवार के दर्दनाक मौत के बाद आज तक उनके पास कोई भी नहीं आया। जो भी गरीब लोग हैं वो है, उनको कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिले तो हम खुद करके उनके पास जाके ऐसा ऐसा आपको कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो हम दिलाएंगे बोल के वो जो हादसा होने के बाद वो सब है ना उनका नाम वगैरह सब एप्लीकेशन फिलअप करके DLS के जरिए हम वो जो है ना हमारा मंडल लीगल सलाहकार टीम को वो उसको फॉरवर्ड किए थे, उसका जरिए से इन लोगों को भी थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन मिला था। और उस कॉम्पनसेशन के बाद वो गुजरे हुए आदमी तो नहीं आएंगे लेकिन गुजारा तो उस उन पैसों से अभी कर रहे हैं। नालसा के प्रयासों के कारण आज दो बेसहारा वृद्ध अपने गांव में एक सुकून भरा जीवन जी रहे हैं। हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अपनों की कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, पर थोड़ी सी राहत ही सही, जीवन आगे बढ़ तो रहा है। पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आस पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आस पर हक हमारा भी तो है। न्याय सबके लिए।